एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस ऑफिस में फरियादियों के फरियाद को सुना, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि शासन के निर्देश पर सुबह 10 बजे से पहले सभी अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई के कार्य को कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारी क्षेत्र में भी पुलिस चौपाल में जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। पुलिस चौपाल व थाना समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं और वार के दौरान कोई ऐसा प्रकरण आता है जहां पर वादी से बात करना उचित रहता है, वादी से भी बात किया जाता है और प्रकरण के गंभीरता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि IGRS के द्वारा लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, इसलिए सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कार्रवाई में कमी रह गई है और जो भी न्यायसंगत कार्रवाई होती है वह किया जाता है। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, ठीक है तो हम उसको थाने के लिए आप आ जाइए कल।
सर सुनवाई की गई सर? जी, जन सुनवाई हेतु सभी अधिकारी 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में आकर जन सुनवाई का कार्य शुरू कर देते हैं। साथ ही अधिकारीगण फील्ड में भी जाते हैं। पुलिस चौपाल के दौरान, वादी संवाद दिवस के दौरान थानों पर अधिकारियों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा जनता की शिकायतें सुनी जाती है। इसके अलावा ओआर के दौरान यदि कोई प्रकरण सामने आता है ऑर्डरली रूम के दौरान, जहां पर कि वादी से बात करना आवश्यक है, तो वादी से और आईओ से आमने सामने बात करके प्रकरण की गंभीरता के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उसके अलावा जो IGRS है, उसमें जो शिकायतकर्ता बार बार शिकायत कर रहे हैं या असंतुष्ट हैं, उनको भी पुलिस लाइन में मीटिंग करके सभी अधिकारियों को बुलाकर वहां जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या कार्यवाही में कमी रह गई, और जो भी नियमानुसार और न्यायसंगत कार्यवाही संभव है वो की जाती है। और इस प्रकार जन सुनवाई पर प्रत्येक स्तर पर पुलिस द्वारा गंभीरता बरती जा रही है।